नैनीताल जिले में कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी परिसर में 18वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 151 टॉपर को मेडल्स और 379 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। वहीं इस दीक्षांत समारोह के दौरान 6 को डीलिट की उपाधि प्रदान की गई है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, साथ ही भविष्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए धन की कमी को आड़े आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में विश्वविद्यालयों और डिग्री धारकों की बड़ी भूमिका होती है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय का आज 18वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ है। वर्चुअली माध्यम से महामहिम राज्यपाल हमसे जुड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी जुड़े और आज दो लोगों को हमने मानद उपाधि दी है, जिसमें कि हमारे भास्कर खुलवे जी जो यहीं के छात्र रहे उन्हें आज मानद उपाधि दी गई है। लगभग 46,000 बच्चों को आज डिग्री दी गई है और 150 से ज़्यादा बच्चों को आज जो है यहाँ पर मेडल दिए गए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ के कुलपति जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और विश्वविद्यालय में जो भी आगे भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा तो उसके लिए पैसे की कमी मैंने कह दिया है कि हम सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं होने देंगे। कि 22 तारीख का उत्साह तो पूरे दुनिया में है और स्वाभाविक भी है। वो राष्ट्र निर्माण में चूँकि विश्वविद्यालय